न्यूट्रिशन से रिलेटेड डाइट, मतलब जो भी खाना है सुबह से शाम तक, या एक्सरसाइज, में ये भी एक्सरसाइज बता दूंगा, बिना जिम किए भी मसल बन जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ आपको। कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा है ना मेहनत लग रही है, बोले मैं ये भी कर सकता हूँ। पैसा बचे भाई, प्राथमिकता तो ये होती है ना आदमी की, जिम ना जाना पड़े और ऐसे ही फिट हो जाए। मैंने अपने ना कई वीडियोज़ में ये बताया है कि आप बिना जिम के भी फिटनेस ला सकते हैं, घर में झाड़ू कर सकते हैं, पोछा कर सकते हैं, ये भी बोला है मैंने। भैया मेरा ऊपर जिम है और मैं दोनों फ्लोर पर खुद झाड़ू पोछा लगा रहा हूँ, क्यों, थोड़ा सा पसीना निकल जाए, थोड़ा सा फिटनेस हो जाए। ये नहीं करता आज का समय आदमी। ये समय रहा कि बता दो ना, 100 मीटर पेड़ के डालो डाल हम लोग कर लेते थे, इतना दौड़ते थे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर मैं स्कूल से क्रॉस कंट्री करता था। क्रॉस कंट्री मारे प्रथम से बता रहा हूँ, स्कूल से 10 किलोमीटर दौड़ते थे स्कूल में, लेकिन ये सब बर्बाद हुआ आने के बाद। देखिए बर्बाद आदमी शौक में होता है, देखिए सॉरी अगर गलत लग रहा हो, आपके पास पैसा है, मेरे पास भी है, मैंने भी बढ़िया महंगा मोबाइल ले रखा है। सब लोग ट्रेनिंग में पतला होता है, ट्रेनिंग में मोटे हो गए। अच्छा क्यों, क्योंकि यहाँ वर्जिश कम है, वहाँ 4 बजे उठने के बाद फिर 10 किलोमीटर बिना दौड़े हम कहने में होते हैं, हम लोग की दूसरी जगह ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करते हैं। सर इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, डायबिटीज होने से कोई बचा नहीं सकता है। कितना बड़ा धुरंधर आप है ना, डॉक्टर ले आइए ना, सबसे पहले ये बोलेगा कि ड्रिंक छोड़ दीजिए। शराब क्या होती है, हाई कैलोरी डाइट होती है और वो ग्लूकोज बढ़ाती है आपको, फिर वो डायबिटीज में चेंज होगा, जब आपका डाइजेशन खराब होगा, फिर पेट खराब होगा, धीरे धीरे वो नासूर बन जाएगा। इसको समझिए भैया, मैं सर्टिफाइड होने के बाद भी इतना नहीं बता पा रहा हूँ जो डॉक्टर आपको बता पाएगा अबाउट डायबिटीज, क्योंकि जब टाइम मिल जाए सुबह शाम जब भी मिल जाए तभी हम तो निकल जाए। आप वॉक करिए, मैं बता रहा हूँ जिम मत करिए, क्योंकि ये जो जैसे मान लीजिए मैंने ये पकड़ा है, देखिए कितना मोटा हाथ में आ रहा है, अब मेरा देखिए ये चीज़ है, इसीलिए कह रहा हूँ आप पहले बेफिक्र होकर 2 किलोमीटर वॉक करिए, उसके बाद है ना आप आगे की सोचिए। और डाइट पे ध्यान रखिए, ग्रीन सैलड खाइए, ग्रीन टी पीजिए, ज़्यादा मीठा मत खाइए, ज़्यादा ऑयली मत खाइए। मीठा तो हम खाते ही नहीं है, वो मीठा हो ही जाता है ना, शराब जैसे ज़्यादा हुई तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके माइंड में, ये भी कभी काल के मतलब ये रहता है। नॉनवेज मत खाइए, नॉनवेज लगभग आप पहले है ना, देखिए एक स्टेप लीजिए, बहुत 10 कदम में आप मेरा नंबर ले लीजिए। चावल वो एकदम नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं चावल अभी तो खास नहीं, अभी आपको डाइटिंग पे आना है, अपनी कैलोरी जो भी खाते हैं सुबह से शाम तक, जैसे 5 मील लेते हैं, 5 टाइम खाना खाते हैं, तो एक टाइम का खाना स्किप कर दीजिए बस, तो एक खाना कम होगा तो पतले होना शुरू हो जाएगा, इसको कहते हैं स्मार्ट लर्निंग। शाम को दूध बिल्कुल नहीं, दूध भी नहीं, साफ कह रहा हूँ मैं अपने व्यूअर से कह रहा हूँ, दूध भी नहीं, दूध तो शाम को क्या खाते सुबह, मैं बताता हूँ शाम को खाना कितने खाते हैं, 9 से 10 के बीच में, इसको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोशिश ये करिए खाना खाने के बाद कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलिए, कम से कम 500 मीटर 500 कदम, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना चल सकते हैं, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद वॉक नहीं करनी होती है, लोगों को गलत फहमी है इस चीज़ की, खाना खाने के बाद बैठना चाहिए 5 मिनट, जब वो डाइजेस्ट हो जाए, डाइजेशन होना शुरू होता है, पता लगा खाना खाए टहलने चले गए, वो भी पहुंचा नहीं इंटेस्टाइन में, छोटे से बड़े पे आप है ना वॉक करना शुरू कर, समझ रहे हैं इसको। और पानी तुरंत मत पीजिएगा खाना खाने के बाद, सबको पता होता है भैया, लेकिन फॉलो करना बहुत टफ होता है। मैं कोई भी ऐसा एक मौका नहीं छोड़ता हूँ कि मैं कोई भी आए और मैं उसको सही चीज़ें दे ना पाऊँ, अब मैंने आपको वो चीज़ें बता दी हैं जो डॉक्टर भी नहीं बताया आप, सही बात है, डॉक्टर पैसे लेता है सीधी बात है, उसको उसका प्रोफेशन है, लेकिन मेरा प्रोफेशन थोड़ा अलग है, मैं चाहता हूँ कि फिट हो सब आदमी, अगर वो एलिजिबल है बजट के लिए। आप हिसाब से कब सुबह सुबह मैं निकलता हूँ, देखिए बारिश का सीज़न है, कोशिश करिए कि ऐसे समय निकलिए कि हल्की सी धूप हो, समझ रहे, तो वो उस पसीना ज़्यादा निकले, उमस में वाटर रिटेंशन कम होता है, ठीक है, आप पूरी कोशिश ये करिए मौसम सही हो तब निकलिए, और ट्रेडमिल मत खरीदिएगा घर पे,
पता सोचा यार वॉक करने आते हैं तो इससे बढ़िया ट्रेडमिल खरीद लें घर ही। नहीं ये सब कुछ नहीं करते हैं भैया, लोगों की बता दो रहा हूँ हमेशा हम 3 किलोमीटर पूरा ये पार्क था, एक चक्कर लगाने के बाद कसते एक्सरसाइज करते थे, जाड़े पे पूरे भीग जाते थे लेकिन